ये तस्वीरें यूपी के बाराबंकी जिले की है। बाराबंकी के देवा इलाके में धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल देवा इलाके में सेंट मैथ्यू कॉलेज है। कॉलेज के पास स्थित नवीनता प्रेयर सेंटर और चर्च में बीते कई दिनों से बाहरी लोगों का आना जाना लगा हुआ था। प्रार्थना सभा के बहाने यहां लोगों के धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था। जब आसपास के लोगों को ये पता चला तो उन्होंने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची वो भी वहां का नजारा देख चौंक गई। जब वहां मौजूद फादर डोमिनिक पिंटू से पुलिस ने पूछताछ की तो वो इस बारे में जवाब नहीं दे सके। जब पुलिस ने कमरों के अंदर तलाशी लेनी शुरू की तो आसपास के कई जिलों से आए महिला पुरुष और बच्चे मिले। जैसा कि मेरे मसीही भाई बहन आपने अभी वीडियो क्लिप में देखा, मैं इस वीडियो क्लिप का और भी आपको पूरा अच्छे से विस्तार रूप से बताऊंगा। उससे पहले मेरे मसीही भाई बहनों, हमारे जीसस बुलाता है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत अहम रखता है। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है कि मैं आपको और अच्छे से जानकारी विस्तार रूप से और खोज पड़ताल करके आपको बताऊं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि अभी आपने वीडियो क्लिप में देखा, लखनऊ से 27 किलोमीटर आगे बाराबंकी जिला है। उस बाराबंकी जिला में सेंट मैथ्यू कॉलेज है। उस कॉलेज के बगल में अधिकतर एक चर्च होता है। क्रिश्चियन कॉलेज के बगल में अधिकतर एक चर्च होता है, जिसमें जितने भी लोग हैं वहां पे क्रिश्चियन कॉलेज हो या क्रिश्चियन स्कूल हो, वहां पे अपना यीशु मसीह का दुआ प्रार्थना आराधना कर सके। लेकिन मेरे मसीही भाई बहनों, वहां पे बहुत सारे ऐसे अलग बगल के गांव, अगल बगल जिला, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अगल बगल जिला है, जैसे कि वहां पे वो लोग आए और वहां पे आने के बाद दुआ प्रार्थना हो रहा था। कई लोग वहां पे प्रेयर कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह से आराधना कर रहे थे। तभी कुछ लोग जो है नफरती चिंटू आकर वहां पर इंफॉर्मेशन डालते हैं कि यहां पे ईसाई धर्म परिवर्तन हो रहा है। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको इस वीडियो क्लिप को पूरा दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो क्लिप को दिखाने के बाद मैं आपसे और भी विस्तार रूप से इस वीडियो क्लिप के बारे में और भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरे मसीह बहनों, आइए हम इस सेंट मैथ्यू कॉलेज में क्या वहां पे हंगामा हुआ, क्या ऐसी बात हो गई कि वहां पर पुलिस प्रशासन को आना पड़ा, धर्म परिवर्तन का वहां पे आरोप लगा। आइए हम सबसे पहले वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे आपसे बात करते हैं। ये रहा वीडियो क्लिप। और बच्चे मिले, क्या मकसद था, किस लिए आपको बुलाया गया? प्रार्थना के लिए आए। प्रार्थना, कैसी प्रार्थना आप लोगों से कराते हैं? हाँ साहब, आपकी कैसी प्रार्थना कराते हैं, क्या कहने के लिए बोलते हैं? अबे तो आज पहली बार आए हैं। आपका नाम क्या है? राम सुंदर था। राम सुंदर, हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? दूर से बल्दी राय, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर बल्दी राय, हाँ। सब इकट्ठे ये फैजाबाद, हाँ, बल्दी राय थाना जानना है। तो किस चीज़ की जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं यहाँ? कौन जानकारी, बस दिल के बीमार रहते साहब, किसी का भाव भजन करने से। नहीं तो भाव भजन किसका कहते हैं? आप हिंदू हैं ना? हाँ सर। अयोध्या यहाँ किस लिए आप आई हैं? बीमार रहे। बीमार, तो यहाँ कोई डॉक्टर आए थे क्या? नहीं, क्या क्या बता के आप लोगों को लेके आया गया? वहीं पुलिस को सूचना देने वाले स्थानीय लोगों ने इसे लेकर क्या कहा, सुनिए। ये आप देख रहे हैं कि इतनी भीड़ और इतने मात्रा में जो आदमी एकत्रित हुए हैं, ये फैजाबाद सुल्तानपुर के रहने वाले ज्यादातर लोग हैं। और स्कूल में कैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, मैंने बात भी बोला, 280 लोगों का टारगेट, 280 लोगों का यहाँ पे पर डे 280 300 400 लोगों को एकत्रित करके धर्मांतरण कराया जाता है। क्या पाठ पढ़ाया जाता है जो बच्चों को नहीं पढ़ा के अभिभावकों को पढ़ाया जा रहा है, वो भी यहाँ लोकल स्थानीय लोगों को छोड़ के फैजाबाद सुल्तानपुर जगदीशपुर इस तरह की जगह से लोगों को लाया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक सीएन सिन्हा ने बताया कि पुलिस प्रशासन को सेंट मैथ्यू चर्च में धर्मांतरण कराने के बड़े खेल की जानकारी मिली थी। देखिए, आज माटी एक जगह है जो कि थाना देवाक में आता है। यहाँ के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक सेंट मैथ्यू चर्च है और स्कूल है यहाँ। तो वहाँ पर एक अयोध्या जनपद से कुछ लोगों को यहाँ पर लाया गया है। और यह भी सूचना थी, जो इनपुट था, कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन हेतु यहाँ पे लाया गया। इस सूचना पर एसडीएम सदर साहब, सीओ सदर, सीओ सिटी, महिला पुलिस इंस्पेक्टर, सभी को यहाँ पे भेजा गया और इस संबंध में सम्यक छानबीन की जा रही है। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी सुसंगत साक्ष्यों के आधार पे, वो तत्परता के आधार पे सुनिश्चित की जाएगी।
तो कितने लोग थे और कहाँ से आए थे? मैंने बताया कि ज्यादातर जो आए थे वो अयोध्या जनपद के हैं, उसके आसपास के हैं सब, उनका ब्यौरा इकट्ठा किया गया है। और अभी हम लोग जो साक्ष्य है, संगत साक्ष्य, उसको एकत्र कर रहे हैं, इसका परीक्षण होगा। और जो भी न्याय संगत कार्रवाई है वो प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया? हाँ जी, पूछताछ के लिए लिया गया, वो जैसा भी अभी होगा तो अभी उनसे बातचीत की जाएगी, पूछताछ किया जाएगा क्यों आए थे, कैसे आए थे, ये सारी चीज़ें हैं। और जो लोग आए थे उनसे भी पूछताछ की, काउंसलिंग की जा रही है, जो महिलाएं और बच्चे थे उनकी काउंसलिंग भी। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है कि अभी विवेचना का पार्ट है, जो कि समय आने पर विवेचना के अधीन है। मेरे मसीही भाई बहनों, जैसा कि अभी आपने पुलिस प्रशासन का भी बयान आपने सुना, पुलिस प्रशासन इस बात को बता रहे हैं कि वहां पर हम गए और देखें कि वहां पे प्रार्थना दुआएं ये सब की बातों को कहा, और इस बात को कहा कि हम इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे और प्राथमिकता हम उसे देंगे जो सही होगा। मेरे मसीही भाई बहनों, लेकिन मीडिया वाला इस बात को ये नहीं बोल रहा है कि हाँ वहाँ पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस वहाँ पहुँचा। यहाँ तक पुलिस मीडिया वाला ने क्वेश्चन किया, क्या किसी को आपने वहाँ पर अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया? तो कहा कि नहीं, गिरफ्तार नहीं हुआ, हमने पूछताछ की है। देखिएगा मीडिया वाला मतलब किस तरह से नफरती। चिंटू का भी आपने बयान सुना था कि स्थानीय वहाँ पे मीडिया वाला इस बात को भी बता रहा था कि स्थानीय लोग वहाँ पे जो सूचना दिए थे वो इस बात को बता रहे हैं। सूचना कौन दिए थे? नफरती चिंटू, जो वहां पर यीशु मसीह का आराधना दुआएं प्रार्थना हो रही थी। लेकिन जब जांच पड़ताल के सामने मामला आया तो वहां पर कुछ ऐसी धर्म परिवर्तन का मामला नहीं देखने को मिला। लेकिन कुछ लोग जो है इसी बात का फायदा उठाते हैं, ये क्रिश्चियन जो है लोगों को धर्म परिवर्तन करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, ये तो होता ही रहता है। चलिए, परमेश्वर का वचन है कि इन दिनों अंत के दिनों में तुम्हारे साथ झूठी गवाही देके पकड़वा देंगे, झूठी आरोप लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सो आज ये सब चीज को देखने को मिल रहा है। मैं मसीह भाई बहनों, आप लोग से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। और थैंक यू, प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।